स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह से ये काम करता है, क्या इसके रूल्स है और क्या इसकी साइकोलॉजी है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बल्कि वो कई सालों से इस स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं लेकिन बेसिक रूल्स नहीं जानते। तो हम आपको बताएंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के, हम तीन पार्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें से ये पार्ट वन है, और पार्ट टू में रूल्स ऑफ ट्रेडिंग लाएंगे और पार्ट थ्री में साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैजिकल ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार क्या है, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और हमें लोग सुनाते आ रहे हैं कि ये एक सट्टा बाजार है, यहाँ पे लोग सिर्फ जुआ खेलते हैं और हारते ही हैं। ऐसा ही किसी हारे हुए खिलाड़ी ने किसी व्यक्ति को सुनाया और उसने किसी और को सुनाया, ऐसे करते करते हमारे कानों में भी ये बात पड़ती रहती है। मैक्सिमम लोग शेयर मार्केट से जो भी हारे होते हैं उसका कारण ये होता है कि या तो वो ट्रेडिंग्स के रूल नहीं जानते थे, या तो साइकोलॉजी नहीं जानते थे, या शेयर मार्केट क्या है और उन्हें क्या दे सकता था ये नहीं जानते थे। यकीन मानो दोस्तों कि दुनिया का अगर सबसे अच्छा कोई बिजनेस है तो वो है स्टॉक मार्केट, क्योंकि मान लो कि कोई एक आम बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों से संपर्क में रहना पड़ेगा, आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है, और आपके अंदर वो टैलेंट भी होना चाहिए कि किसी को कन्विंस कर सके अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए या तो खरीदने के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इन सभी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आपके पास एक मोबाइल या लैपटॉप है तो घर के एक कोने में बैठकर भी आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और आप यकीन नहीं कर सकते कि आपको ये मार्केट क्या दे सकता है, जो आप चाहोगे वो सब कुछ दे सकता है। अब देख लेते हैं कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है और यहाँ पे काम कैसे होता है। हर बिजनेस में कम से कम दो पार्टी तो चाहिए होती है, आप किसी भी मार्केट में जाएंगे कुछ भी खरीदने के लिए तो एक बेचने वाला चाहिए, मतलब एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। सेम स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही रूल्स है, यहाँ एक पार्टी वो है जो कंपनियाँ से, कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पब्लिक से पैसा लेती है शेयर के माध्यम से और उन पैसों को अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाती है, और जो शेयर्स जिन्होंने खरीदे होते हैं उनको वो हिस्सेदारी मिलती है कंपनी की हर एक प्रॉफिट और लॉस में। तो अब बात आती है कि अगर कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहती है तो क्या रूल्स होते हैं, वो कहाँ जाकर बेचेगी, घर घर जाके तो बेच नहीं सकती, तो उसके लिए एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज में वो अपने कंपनी के स्टॉक के शेयर्स लगाती है और स्टॉक के माध्यम से ब्रोकर हमारे तक पहुँचाते हैं। अब स्टॉक क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, एक एक कर कर हम देखते हैं। अब कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है और कितने कितने कौन कौन से सेगमेंट में होती है तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे है इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी। अब ये तीनों क्या है वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। जो भी कंपनियों के शेयर्स होते हैं जैसे रिलायंस है, TCS है, वो सारे के सारे इक्विटी में आते हैं, और कमोडिटी वो चीज़ होती है जो आप पहले के ज़माने में सोना खरीदते थे और बेचते थे तो आप सोना घर लेकर आते थे, अब है कि आप सोना खरीद भी लेंगे और आपका सोना सेफ भी रहेगा, जब उस सोने का रेट बढ़ेगा तो आपको सोने का रेट मिलेगा और घटेगा तो आपको लॉस होगा। तो सोना, चांदी, जिंक, कॉपर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी ट्रेडिंग होती है कमोडिटी के अंदर में, साथ में एग्रीकल्चर बेस्ड कमोडिटी भी ट्रेड होती है। अब देखते हैं करेंसी क्या है। करेंसी जैसे भारत की करेंसी है रुपीस और अमेरिका की, US की करेंसी है डॉलर, तो इन दोनों के बीच में भी ट्रेडिंग होती है तो वो करेंसी ट्रेडिंग कही जाती है। अब इसके एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं, इक्विटी दो फॉर्म में ट्रेडिंग होती है, एक तो NSE में और BSE में। BSE सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसे कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जो सबसे ज़्यादा अभी इंडिया में ट्रेड होते हैं वो NSE में होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कमोडिटी का होता है MCX में और करेंसी का Forex में, ये सब एक्सचेंज है। अब
हम तो एक्सचेंज तक शेयर खरीदने जा नहीं सकते। पहले का ज़माना था जब लोगों को शेयर खरीदने के लिए एक्सचेंज तक जाना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई है तो बीच में ब्रोकर्स आए हैं जो हमें हमारे मोबाइल तक ट्रेड को उपलब्ध करवाते हैं और उसका कुछ कमीशन लेते हैं। ऐसे ही ब्रोकर है जैसे जीरोदा हुआ, अपस्टॉक हुआ, ऐसे ब्रोकर हमें एक्सचेंज से वो शेयर दिलाते हैं और उसका जो भी स्टेटमेंट या जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका प्रॉफिट और लॉस हमें घर बैठे दिलाते हैं। ब्रोकर अभी इंडिया में जो सबसे फेमस दो टॉप पर ब्रोकर हैं तो वो है जीरोधा और अपस्टॉक। दोनों ही मोस्ट रिलायबल और सबसे हाईएस्ट लोग इसमें ट्रेड करते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसका ब्रोकरेज बहुत ही कम है, तो जिनका भी डीमैट अकाउंट अगर जीरोधा और अपस्टॉक में है तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो अपना डीमैट अकाउंट इसमें खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके घर बैठे ही फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर हमने कहीं पे ट्रेडिंग किया जीरोधा या अपस्टॉक में और हमें कुछ प्रॉफिट भी हुए, हो सकता है कि किसी धांधली के वजह से, किसी एरर की वजह से हमें वो पैसा नहीं मिल पाए, तो हम कहाँ जाएंगे, पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट में? तो आपको ये बता दें कि क्राइम के लिए पुलिस स्टेशन आप ज़रूर जा सकते हैं और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि क्राइम को रेगुलेट करता है पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को रेगुलेट करता है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। इसी तरह सारे बैंकों को रेगुलेट करता है RBI। तो फिर ये स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है, कौन इसकी देखरेख करता है और हर एक व्यक्ति को राइट्स दिलाने के लिए स्टॉक मार्केट में है सेबी। सेबी पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, उसकी नज़र हर एक ट्रांजैक्शन पर होती है, तो कोई भी धांधली होने का सवाल ही नहीं। अगर कभी आपके पास कोई सा भी ऐसा एरर है जिसके कारण आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो आपकी देखरेख करेगा सेबी। ये तो ऊपर ऊपर की बात हो गई कि किस तरह से सारा का सारा सिस्टम बैठा हुआ है स्टॉक मार्केट का। अब यहाँ पे ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग 3 टाइप की होती है। पहला होता है इंट्राडे, दूसरा शॉर्ट टर्म, तीसरा लॉन्ग टर्म। अब ये क्या होता है इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? इंट्राडे वो ट्रेडिंग है कि आपको उसी दिन शेयर को लेना है और उसी दिन आपको बेच देना है। मतलब मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 को, तो अगर आपने स्टॉक को खरीद लिया है तो आपको 3:15 के पहले बेच के निकल जाना है, नहीं तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा 3:30 के पहले पहले। इंट्राडे को डे ट्रेडिंग भी इसीलिए कहा जाता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म एक दिन से ज़्यादा कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक जो स्टॉक आप पोजिशन में होल्डिंग में रखते हैं उसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है? लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होता है जिसे आप सालों तक रखते हैं उसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। ये सब जान लेने के बाद हमारे दिमाग में एक सवाल घूमता है कि शेयर का प्राइस बढ़ता घटता कैसे, क्यों ये बढ़ जाता है और क्यों ये घट जाता है? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, दूसरा उस स्टॉक की या उस कंपनी की परफॉर्मेंस, तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके सामने बायर्स और सेलर्स कितने हैं। ये बहुत ही सिंपल फंडा है, वो एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि थिएटर में एक फिल्म लगी है बाहुबली, बहुत ही चर्चा आपने सुन रखी है इस फिल्म के बारे में, इसका ट्रेलर देखकर भी आप इम्प्रेस्ड है और आप चाहते हैं कि इस संडे को आप जाके ये फिल्म देखें। और जब आप ये फिल्म देखने जाते हैं तो आपकी तरह ही वहाँ पे सैकड़ों लोग पहुँचे हैं और थिएटर में बोर्ड लगा है हाउसफुल का। ऐसी कंडीशन में आपको लगेगा कि अरे यार इतना मैंने सुना था, आज मेरी छुट्टी भी थी, किसी भी कीमत पर मुझे ये फिल्म देखनी ही है। ऐसे में कोई व्यक्ति सामने आ जाता है और कहता है कि मेरे पास एक टिकट है, मैं तो ये फिल्म नहीं देख रहा हूँ, मुझे किसी कारण से जाना है, लेकिन ये 200 रुपये की टिकट मैं 400 रुपये में दूंगा, आपको लेना है तो ले लो। तो अगर आप
₹400 के इच्छुक है तो आप ₹400 में ले लेंगे, लेकिन अगर जिस समय आप ₹400 की टिकट ले रहे हैं वहाँ से बाजू से कोई व्यक्ति आकर कहेगा कि अरे मुझे ₹500 में दे दो, तो वो बेचने वाला किसे देगा? वो ₹500 वाले को देगा। और फिर कोई बाजू से आ जाएगा तो कहेगा कि मुझे ₹600 में दे दो, तो वो ₹600 वाले को भेजेगा। इसी तरह से शेयर की डिमांड कितनी है, कितने ज़्यादा यहाँ खरीदने वाले हैं, जितने ज़्यादा खरीदने वाले होंगे उस शेयर का प्राइस वैसे ही ऊपर बढ़ेगा। मतलब सिंपल फंडा है कि अगर डिमांड ज़्यादा है, मतलब अगर खरीदने वाले बायर्स ज़्यादा है, तो मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, मार्केट ऊपर चढ़ेगा। तो फिर मार्केट का भाव नीचे कैसे आता है, तो इसके लिए भी एक उदाहरण सुन लो। आपका एक दिन मूड हुआ जाके फिल्म देखने का, आप थिएटर पहुंच गए और फिल्म की टिकट भी निकाल दी, आपने देखा नहीं उसका ट्रेलर, आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना, बस इच्छा की और आप फिल्म देखने चले गए, आप टिकट खरीद कर बैठ गए। आपको पता चला कि ये फिल्म बहुत ही घटिया है और सिर्फ 4 लोग आए हैं फिल्म देखने के लिए, तब उस समय आप क्या सोचेंगे मन में कि अरे कोई व्यक्ति आ जाए तो मैं ये ₹200 की टिकट अगर वो ₹50 में भी लेता है ना तो मैं बेच दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं देखना है ये फिल्म, मुझे अपना समय नहीं बर्बाद करना है। तो इसी तरह से जिस चीज़ की डिमांड घट जाती है, जिस चीज़ की वैल्यू घट जाती है, जो घटिया हो जाता है जिसकी क्वालिटी, तो यहाँ पर सेलर्स बढ़ जाते हैं, बेचने वाले बढ़ जाते हैं, खरीदने वाले यहाँ कम हो जाते हैं, तो वैसे ही भाव नीचे गिर जाता है। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक रूल है, इसे आपको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्टॉक मार्केट में हैं ये रूल हमेशा काम करेगा। सिंपल नियम है कि अगर खरीदने वाले बायर्स ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है, बेचने वाले ज़्यादा हैं, वहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा। ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था एकदम बेसिक स्टॉक मार्केट का। अब हम जो पार्ट 2 लेकर आएंगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रूल्स ऑफ ट्रेडिंग पार्ट 2 में लाएंगे और पार्ट 3 में लाएंगे साइकोलॉजी। तो किस तरह से, क्या वो रूल होते हैं जिसको फॉलो करने से एक आम इंसान एक बहुत बड़ा ट्रेडर बन सकता है, तो वो वीडियो मिस मत करना, हम जल्द ही वो वीडियो लेकर आएंगे। साथ ही साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि एक व्यक्ति एक स्ट्रैटेजी को कर रहा है, उसी स्ट्रैटेजी को एक दूसरा व्यक्ति भी सेम कर रहा है, लेकिन एक प्रॉफिट कर रहा है और एक नुकसान कर रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? स्ट्रैटेजी तो एक है, रूल्स तो एक है, फिर दोनों में क्या अंतर आ रहा है? तो दोनों में अंतर आ रहा है माइंडसेट का। ये माइंडसेट क्या होती है ट्रेडिंग की, क्या होती है साइकोलॉजी की, आप एक चीज़ अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए तो स्ट्रैटेजी 20% वर्क करती है, लेकिन 80% वर्क करती है उसकी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग क्या है वो हम पार्ट 3 में लेकर आएंगे, जो आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि हमें उम्मीद है कि उस वीडियो के बाद में ट्रेडिंग को देखने का नज़रिया आपका बिल्कुल बदल जाएगा। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जो आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है, इसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, और हम कोशिश करते हैं कि ये आपको जितने आसान तरीके से समझा सके उतनी आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपके कमेंट्स हमें बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं, तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियो आपको नोटिफिकेशन पे मिलती रहे। अगली वीडियो लेकर हम फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।